शहपुरा में किसानों के हक का यूरिया डीएपी खाद बीज काला बाजारी कर बेचा जा रहा है और किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। यह आरोप लगाते हुए किसान ने गुरुवार को अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और यूरिया खाद और बीज की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। किसानों का आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से यह पूरा खेल चल रहा है। किसानों को उचित मूल्य में डीएपी यूरिया खाद बीज दिया जाता है जिसकी कालाबाजारी चल रही है। अन्य जिलों में जो डीलर है उनको सप्लाई करके उनका व्यापार हो जाता है और यहाँ पर किसान डर डर के भटक रहा है। ऐसे अनेक व्यापारी जो बिना लाइसेंस के डबल लॉक से माल लेकर किसानों को महंगे दामों में बेचते हैं। पूर्व में भी शहपुरा में चल रही कालाबाजारी की शिकायत की गई थी। वहीं अनुविभागीय अधिकारी का कहना है कि किसानों ने शिकायत में बताया कि यूरिया डीएपी की कालाबाजारी शहपुरा क्षेत्र में चल रही है जिस पर लगाम लगाने की जरूरत है, जिसका ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है। इसके संबंध में कृषि विभाग एवं संबंधित अधिकारी से जानकारी प्राप्त करके जांच करूंगा। शहपुरा भिटौनी क्षेत्र में खुले की यूरिया डीएपी खाद बीज की कालाबाजारी को लेकर किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो मजबूरन उन्हें सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ेगा। शहपुरा क्षेत्र में जो डबल लाख है उसमें शासन द्वारा जो किसानों के नाम पर राहत के नाम पर फिक्स रेट पर जो हमें खाद बीज उपलब्ध कराया जा रहा है उसकी खुलेआम कालाबाजारी हो रही है। बीच में आन जिलों में जो प्राइवेट डीलर हैं उन्हें ज्यादा सप्लाई करके और ये पूरा व्यापार हो जाता है। तो यहाँ का किसान दर दर भटक रहा है और देख रहे हैं तो कहीं भी डीएपी यूरिया के नाम पर महंगे, अगर महंगा मिल लेना है तो ले लो, नहीं तो नहीं मिलेगा। शासकीय कार्य में पूरा भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ा है कि नकली खाद गोदाम वाले वो व्यापारी बहुत से ज्यादा जिनके पास ना लहसुन से न कुछ नकली खाद बीज बेच रहे हैं, उर्वरक बेच रहे हैं। पिछले समय भी ऐसी नकली खाद के कारण हमारे कई किसानों की फसल ऑटोमेटिक सूख गई थी, तब भी कृषि विभाग वालों को ले जाके दिखाई भी थी पर उसका नुकसान कौन देगा। तो ये काला बाजारी हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा जम से चल रही है और इसमें बड़े बड़े अफसरों से भी लगा के इसमें, क्योंकि पूर्व में भी हम लोग ये आवाज उठा चुके हैं और आज हमारा कृषि क्षेत्र में सबसे अग्रणी क्षेत्र है सहपुरा क्षेत्र, जहां मटर से लगा के सारी चीज होती है। तो दवाई की विशेष उपलब्धता होना चाहिए हमारी खाद पाउडर की, तो ये कालाबाजारी हो रही है और सरकार की जो पॉलिसी है किसानों के लिए उसका दुरुपयोग हो रहा है। ये कमीशनबाजी के चक्कर में ये अधिकारी जांच के नाम पर क्योंकि ये बंधे हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री को इस तरह ध्यान देना चाहिए। आज किसानों की सख्त जरूरत है खाद और बीज की, तो बीज भी हमारे कृषि विभाग में समय पर उपलब्ध नहीं होता है। जब धान बहने का समय है, रोपा लगाने का समय है तब नहीं मिलता, जब इसके बाद बोनी हो जाती तब वो नकली खाद बीज यहाँ आता है और उनको किसानों को समय पर उपलब्ध न हो पाना ये सबसे बड़ी मजबूरी है। इसलिए हम लोगों ने आज एसडीएम को संभागायुक्त को भी इसको भेजा जाएगा, कलेक्टर से भी मिला जाएगा और इस पर अति शीघ्र कार्रवाई हो। जहां जहां भी ऐसी फर्जी गोदामों में भरी खाद है जैसी अभी मझौली में पकड़ी गई उसी की शाखा भी यहां है और वो खाद भी यहां उपलब्ध है, तो यहां के अधिकारियों को चाहिए कि एसडीएम महोदय से मैंने कहा है कि वहां छापामारी करें और अवैध काम करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जंग बहादुर सिंह, लोकतांत्रिक जनता दल ग्रामीण अध्यक्ष, सहपुरा भिटौनी। खाद पाउडर और कीटनाशक दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है। दूसरा ये यहाँ पे डुप्लीकेट खाद और कीटनाशक की बिक्री की जा रही है जिससे उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है और मैं वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन करता हूँ इसकी जांच की जाए और दोषी विक्रेताओं के ऊपर कार्रवाई की। महेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में माननीय अभी महोदय सहपुरा के नाम पे एक ज्ञापन सौंपा गया है जिसका विषय ये है कि खाद यूरिया एवं डीएपी की कालाबाजारी शहर में चल रही है और उस पर लगाम लगाने की जरूरत है, तो ये ज्ञापन मेरे द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। इसके संदर्भ में मैं कृषि विभाग एवं संबंधित विभाग से जानकारी प्राप्त करूंगा और स्वयं जाकर इसमें जांच भी करूंगा और जो अग्रिम नियम अनुसार कार्रवाई
वो एडमिन साहब के माध्यम से प्रसारित। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।